हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है धुलाई कला, और इसी के साथ आपकी क्लास सिक्स की समरी कंप्लीट हो जाती है। मैंने ट्वेल्थ चैप्टर यानी 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं क्लास सिक्स के। अगर आपने समरी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। सारे लेसन नेम लिखे हैं और कौन सा लेसन है ये भी लिखा है, तो आप लाइन वाइज जाके चेक कर सकते हो और ऐसे बैठ के अपने घर में नोट्स बना सकते हो। मैं क्लास सिक्स से स्टार्ट करा रही हूँ, क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की समरी कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही स्टूडेंट एक और बात बता रही हूँ, रोज़ शाम 5 बजे आपकी क्लास होती है, तो क्लास को ज़रूर अटेंड करें। रेगुलर क्लास हो रही है तो ज़्यादा देर की क्लास नहीं होती, थोड़ी देर की क्लास होती है, आपको इतना टाइम नहीं देना है। अगर आप 5 मिनट भी देते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर करा देंगी मैं। तो धुलाई कला, धुलाई वस्त्रों की धुलाई करना, देखिए वस्त्रों की नियमित धुलाई और शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वस्त्र हैं उनका रोज़ धुलाई करना चाहिए और शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। वस्त्रों को धोने के प्रमुख कारण, तो देखिए वस्त्रों की सफाई के लिए, दुर्गंध दूर करने के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए, ये इसके लिए आवश्यक है वस्त्रों को धोना। वस्त्रों को धोने से लाभ क्या होते हैं, वस्त्र सुंदर दिखते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न होता है, दूसरों के साथ उठने बैठने बातचीत करने में हिचक महसूस नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है। पहनने ओढ़ने बिछाने अन्य उपयोग में आने वाले वस्त्रों की नियमित धुलाई आवश्यक है। वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग धो, सफ़ेद वस्त्र हैं रंगीन वस्त्र उन्हें अलग अलग धोए। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को अलग बर्तन में उबाल कर धोकर धूप में सुखाए। फटे कपड़ों को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें, अन्यथा वे अधिक फट सकते हैं। कपड़े में यदि कोई दाग लगा हो तो उसे पहले छुड़ा लें। चुभने व जंग लगने वाले पिन और लोहे की वक्कल आदि धोने से पहले निकाल लें। देखिए वस्त्रों की धुलाई होती है, कुछ आवश्यक सामान और विधि होती हैं। कपड़े धोने से पूर्व उसे पानी या साबुन के घोल में भिगो दें। कपड़ा धोने के लिए साबुन, सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। पानी से भी वस्त्रों को धोकर उसकी गंदगी दूर कर सकते हैं, किंतु अधिक गंदे होने पर साबुन या सर्फ से कपड़ा धोएं। सर्दियों में सूती सफ़ेद वस्त्रों को धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग अच्छा रहता है। गंदे हिस्सों को ब्रश से रगड़ कर साफ करें। कपड़ा पटकने और पीटने से जल्दी फटता है, हाथ व ब्रश से रगड़ कर कपड़ा धोएं। कपड़ों को साफ पानी से तब तक धोएं जब तक कि कपड़े में से सारा साबुन अच्छी तरह ना निकल जाए। नील लगाना, देखिए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से उसकी सफ़ेदी में निखार आ जाता है। नील लगाने के लिए पानी में नील की आवश्यक मात्रा घोल लें। इसके बाद जिस कपड़े में नील देना हो उसे धुलकर घोल में डुबो दें। अच्छी तरह से कपड़े को उलट पलट कर सीधा से घुमाएं, जिससे नील बराबर पूरे कपड़े में लग जाएगी। अब निचोड़ कर सूखने के लिए फैला दें। कलफ लगाना, कलफ लगाने, देखिए कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए मैदा, अरारोट, चावल, साबुदाने को पानी में पकाकर कलफ बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कलफ कैसे बनाया जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो जिन कपड़ों में कलफ लगाना हो उन्हें कलफ के पतले घोल में डुबोकर निचोड़ लें। यदि कपड़े सफ़ेद हों तो उसमें नील व कलफ दोनों की आवश्यकता हो तो नील के घोल में ही कलफ डालकर कपड़े को डुबोए और तुरंत निचोड़ के फैला दें। धुलाई के बाद वस्त्रों में सिकुड़न आ जाती है, अतः प्रेस कर उसकी सिकुड़न को दूर करें। सूती वस्त्रों को नम करके वस्त्र करने प्रेस करने से सिकुड़न आसानी से दूर हो जाती है। वस्त्र धोने से संबंधित कुछ सुझाव हैं। पहला है घर के प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र धोने में सहायता करें। शरीर पर धारण किए जाने वाले अंतर्वस्त्र, बनियान, जांघियाँ, ये सब नित्य धोकर धूप में सुखाएं। बच्चों में शुरू से ही अपने वस्त्र धोने का कार्य करें। बच्चे भी शुरू से ही अपने वस्त्र धोने का कार्य करें, उसमें स्वस्थ आदतों का विकास होगा। इससे उनमें क्या होगा, जो स्वस्थ आदतें हैं उनका विकास होगा।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो ये चैप्टर था 12 धुलाई कला। इसी के साथ आपका क्लास 6 का जो समरी है होम साइंस ये फिनिश हो जाती है। अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट जो क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 7th, 7 के बाद 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, 12th, ऐसे चलेगा, लैंग वाइज चल रहा है। रोज़ शाम 5 बजे क्लास होती है, ज़रूर क्लास अटेंड किया करिए। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।